कंटिन्यू मैं आपके साथ आंसर मिश्रा। इस वक्त हम बल्लभगढ़ सेक्टर 55 पहुंचे और यहाँ पर एक मामला सामने आता है जहाँ पर एक ट्रैक्टर चालक ने एक स्कूटी चालक को कुचल के यहाँ से भाग जाता है। लोग मौके पे मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला, तो कब का मामला था, क्या पूरा मामला था। हमें तो फैक्ट्री थे, अभी पता लगा है, मैं यहाँ हूँ तो पता लगा कि 3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास ट्रैक्टर वाले ने सिक्योरिटी से लड़की आ रही थी उसको कुछ चल के चले गए। अच्छा, कब का मामला है ये? 3 बजे के आसपास का मामला, 3 बजे के आसपास है। तो अभी आप लोग यहाँ क्यों पहुँचे, मतलब क्या कार्रवाई नहीं हो रही, किस वजह से यहाँ पर पहुँचे आप लोग? अच्छा, मतलब हुआ क्या था फिर, कुछ जानकारी? मैम क्या था, बिटिया घर से मार्केट आई थी, बिटिया घर से वापस निकल रही थी, ड्राइवर जो ट्रैक्टर का था मोबाइल पे बात करते हुआ जा रहा था, सरेआम लापरवाही से स्कूटरी मारी है, चढ़ा के ऊपर भाग गया। अच्छा, मैन मार्केट की बात है, 55 सेक्टर बिल्कुल ऑन द मार्केट है, आदमी 100-200 आदमी उस टाइम ऑन द स्पॉट था, किसी ने ये नहीं देखा भाई सब क्या हो, किसी ने कोई ट्रैक्टर नहीं पकड़ा। बाद में हमें पता लगा, हम बेटी को लेके वहाँ गए, बाद में पता लगा तो यहाँ हैं, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है जो इस टाइम की सिचुएशन है। किसकी बेटी थी, मतलब कुछ जानकारी मिली कहाँ से वो लड़की आई थी? मोहम्मद है, उसकी पोती है जी, सेक्टर 55 से। किसकी भतीजी है वो? इसकी भतीजी, आपकी भतीजी थी जी जी। कहाँ जा रही थी, क्या हुआ था आप? ये डॉक्टर थी, अखौड हॉस्पिटल सेक्टर 87, वहाँ से ड्यूटी करके आ रही थी, सेक्टर 55 की मार्केट में पहुंचे, ब्रजेश मेडिकल स्टोर के सामने साईं प्याऊ, वहाँ पर पीछे से ट्रैक्टर वाले ने इसमें टक्कर मार दिया, जो वहीं ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गई। तो आप लोगों ने ट्रैक्टर का नंबर कुछ नोट किया, कुछ आपको पता? वो कोई थे ही नहीं, बाहर के लोग थे। तो बाहर के लोगों ने बाई चांस कुछ वीडियो वगैरह कुछ ऐसा शूट किया? किसी ने कोई नंबर नहीं लिया, अगर वहाँ चाहते तो उसको पकड़ भी सकते, कोई बाइक तो नहीं कार से बात है, क्योंकि जिस तरीके से टक्कर मार के थोड़ी देर तो रुका भी होगा, भी चलता, किसी ने वहाँ कोई नहीं पकड़ा, वो ट्रैक्टर अपना आराम से निकल गया जी। हमें पता लगी, हम आए एक वहाँ पहुँचे, उसके बाद हम आए हैं, अभी तक देख रहे हैं प्रशासन लगा हुआ है, हमें प्रशासन से पूरी उम्मीद है, अब प्रशासन पकड़ेगा और मुकदमा दर्ज करेगा। तो ट्रैक्टर का नंबर वगैरह कुछ आप लोग के पास? नहीं, नंबर कोई नंबर नहीं हमारे पास। अच्छा, आप लोग सभी फैमिली के ही हैं? जी जी, सभी फैमिली सेक्टर। दुकानदार वहाँ पर कुछ, इस सेक्टर 55 की मार्केट कितनी दूर पड़ती है? ये पास में सामने लाइट जल रही है, ये देख सकते हैं, ये मेन रोड पड़ता है, सेक्टर 55 की मार्केट से 10 मीटर की दूरी पर, शायद 100 मीटर की दूरी पर सेक्टर 55 की मार्केट पड़ती है, जहाँ पर दोपहर 12 से 3 बजे के लगभग एक मामला सामने, जहाँ पर ट्रैक्टर, क्या चीज, एक मिनट, ट्रैक्टर चालक जो होता है वो एक स्कूटी चालक महिला होती है, जो कि अकॉर्ड हॉस्पिटल जा रही होती है, वहीं पर बीच मौके पर उसको कुचलता हुआ वो ट्रैक्टर चालक चला जाता है, और अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया कि कौन था वो ट्रैक्टर चालक, क्योंकि कुछ वीडियो नहीं हो पाए, कोई फोटोज नहीं है, नंबर नहीं, कुछ आप लोग के पास वीडियो फोटो है? हाजी ग्राम नहीं बोला, नहीं मतलब फिर भी मेरे पास वीडियो, आप लोग के पास वीडियो दिखा दीजिए। वीडियो में साफ क्लियर नजर आ रहा है ट्रैक्टर पे, ट्रैक्टर पे 3 बंदे बैठे हुए हैं, वीडियो में साफ चलता हुआ नजर आ रहा है, मोबाइल पे बात कर रहा ड्राइवर। अच्छा, मोबाइल में बात भी कर, तो आप लोग पुलिस को दिखाइए वो चीज़ें, फिर मैम सारे जो हमारे पास सब जमा करा दिए। ये बेटी है, इसका डॉक्टर है, डॉक्टर है, ये दे सकते हैं, ये लड़की, नाम क्या लड़की का? उजमा सैफी, ये लड़की की फोटो दिखा दीजिए एक बार पूरी, ये देख सकते हैं लड़की है, उम्र कितनी है इनकी? 24 साल उम्र है, उजमा नाम है इनका, अकॉर्ड हॉस्पिटल में काम करते, ये देख सकते हैं डॉक्टर है, अकॉर्ड हॉस्पिटल में काम करती थी, और ये देखिए ट्रैक्टर है जो साफ आ रहा है, ये देखिए ट्रैक्टर चालक है, और ट्रैक्टर भी है, नंबर वगैरह कुछ भी नहीं आया इसमें, शायद नंबर नहीं आ रहा है, बाकी ये सीमेंट से भरा हुआ है, और ये 2-3 आदमी पीछे बैठे हैं, ये ट्रैक्टर क्लियर कट नजर आ रहा है, अगर ये मतलब लोग इसके पीछे बैठे हुए ट्रैक्टर को, ट्रैक्टर चालक है, और चालक है ये। अच्छा, ये ट्रैक्टर चालक है, चारों बंदों में से किसी ने एक बार ट्रैक्टर रोक के ये भी नहीं देखा, बेटी मर, हेल्प भी कर सकते थे, उसको उठा के जा भी सकते और सीधे भाग गए मैम, नहीं उतर के देखते भैया ठीक है हॉस्पिटल ले जानी उनका हक की जान तो बच जाती कम से कम, पर उसका ये तो बनता भाई बेटी मेरे से एक्सीडेंट हो गया, गलती हो गई तो कम से कम मैं उसको उठा के हॉस्पिटल तो भेज दूं, वो तो ट्रैक्टर से अपने सीधा भाग के निकल के, इंसानियत वैसे भी तार तार हो चुकी है, कुछ नहीं इंसान बात है, मैं मार्केट थी, मार्केट में 100-200 आदमी थे, किसी बंदे ने चलती रोड भी है, बल्लभगढ़ का एरिया ही भाई, ये किसी बेटी बहुत हौच पौच, इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है आज के टाइम में, अन्य ट्रैक्टर था आराम से पकड़ लेते उसको उसी टाइम, लेकिन नहीं, किसी ने परवाह नहीं, दे सकते हैं पुलिस चौकी सेक्टर 55 इस वक्त ये लोग पहुंचे हैं, क्योंकि
बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन वैसे कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल दोपहर से शाम हो चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और इसे पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यहाँ पर तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौके पर खड़े हैं। फिलहाल उनका यही कहना है कि उनको कुछ अभी कुछ नहीं मिल रहा है। अंदर जाके क्या पुलिस प्रशासन कुछ कह रहा है अभी? क्या चीज नहीं तो कुछ कार्रवाई नहीं? हम तो कार्रवाई चाहते हैं, 3 से 4 रिपोर्टर को हम बता चुके हैं हमें कार्रवाई चाहिए। एक बार आप ये कैमरा अंदर ले जाकर उनसे पूछो कार्रवाई क्या हो रही है, क्या कह क्या रहे हैं कि हमें चाहिए ट्रैक्टर वाला, हमारी बॉडी हमें लेके आनी है, ये FIR जब बना के देंगे जब आगे कार्रवाई होगी। और कार्रवाई आप उनसे पूछिए कि वो कार्रवाई क्या करेंगे, हम कहाँ तक जवाब दें? हमारा जो हर्जाना वो कोई नहीं भुगता सकता, हम वापस नहीं दिला सकता। जो चीज हम भुगत के बैठे वो कोई नहीं दिलवा सकता हम वापसी, जो हम भुगत के बैठे वो कोई वापसी नहीं दिला। ट्रैक्टर और ड्राइवर नहीं पकड़े जा जाए जब तक हम बेटी को मट्टी नहीं देंगे। अभी पुलिस प्रशासन ये तो कह रहे हैं कि सपोर्ट कर रही है, प्रशासन लगा हुआ है 3 बजे से, मैम 7 बजे अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अच्छा, हाँ मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ है, हमारी बेटी को नहीं मिल जाता, नहीं ट्रैक्टर मिल जाता, ड्राइवर नहीं मिलता। पुलिस वालों ने कंप्लेन लिखी है, कुछ कार्रवाई? वालों ने हमारा आश्वासन दे रखा है, हम लगे हुए, हमारी टीम लगी है। बयान कौन लिखेगा? कोई बयान नहीं लिखेगा, बयान लिखने जा रहे थे। ये शायद परिवार के ये बोल रहे हैं कि उसमें कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई आप सवाल उनसे पूछो, इनसे पूछो कि आप कार्रवाई करी क्या जा रही है, बयान लिख चुके हैं नहीं लिख चुके हैं, आप ये बताओ। अभी तक तो कोई बयान लिखे नहीं गए, कब तक लिखे जाएंगे, कब तक यहाँ खड़े रहेंगे और कब तक ऐसी होता रहेगा, ये पूछो आप जाके। आप हमसे सवाल पूछ लो, हम तो आपको बता देंगे कि हम परेशान हैं। आप अंदर जाके पूछ लो एक बार अंदर चल के भी हम एक बार पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से परिवार का आरोप है कि अभी तक पुलिस प्रशासन कोई है अंदर से SHO वगैरह कुछ बैठा है, कोई भी इंचार्ज, चौकी इंचार्ज? अच्छा वो बैठे हैं। एक बार चलिए अंदर चल के बात करते हैं, क्योंकि पुलिस जो परिवार है वो साफ तौर पर यही आरोप लगा रहा है कि शायद पुलिस प्रशासन कोई कार। सर हम अंदर आ सकते हैं? सिर्फ थोड़ी सी जानकारी चाहिए हमें, नहीं बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए। कैमरा सर लाइव जा रहा है तो मैं कैसे ऑफ कर सकती हूँ? आप या तो बाहर आ जाइए थोड़ा सा, तो हम अंदर, बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए कि FIR हो गई है कि नहीं हुई है। या ओके थैंक्स सर। एक बार चल के पूछते हैं कि क्या पूरा मामला, सर क्या पूरा मामला है और क्या है इसमें, क्योंकि परिवार साफ तौर पे कह रहे हैं कि कुछ हमसे कंप्लेंट। जानकारी है अभी चार साहब आते हैं तो बता दूंगा, 3-4 साहब है नहीं यहाँ पे, गए हुए हैं उसी चीज पर करने के लिए और जल्दी शायद अक्यूज को भी ले आएंगे। अच्छा मतलब अभी वो पकड़े गए हैं, क्या हुआ है? अभी कंफर्म नहीं सुनने में आया, पकड़ा हुआ है तो अभी थोड़ी देर में 4 साहब आते हैं आपको सही बता दूंगा। ये दे सकते हैं फिलहाल, अभी जैसे इन 4 साहब पहुंचेंगे तो एक बार उनसे आप कंप्लेन कर बता दीजिएगा, ये पूरी कार्रवाई करेंगे। सर कार्रवाई करेंगे, परिवार परेशान है बहुत ज्यादा जी। ये दे सकते हैं परिवार यहाँ पर, इन 4 साहब पक्का पूरी कार्रवाई करेंगे, तो आगे की जो भी अपडेट होगी हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए, क्योंकि परिवार जो है वो बाहर परेशान है कि उनको कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा है। 3 बजे की ये बात है और अभी फिलहाल 7 बज रहे हैं, 7:30 हो गए हैं। वो बोल रहे हैं कि इन 4 साहब जैसे आएंगे अभी मौके पहुंचे नहीं है, तो आगे आपकी जो भी कार्रवाई जी, हम भी यहीं खड़े हैं इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। इन 4 साहब आएंगे, 5 बजे बोला था कि आधे घंटे में ट्रैक्टर वाला आ जाएगा, आप हमें आधे घंटे का समय दो, 7 बजे हम इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इन 4 साहब बिल्कुल सही बात है, आपने अपने घर की बेटी खोई है तो आक्रोश तो सबके अंदर होता है, बिगाड़ना नहीं चाहता इसीलिए सब इंतजार कर रहे हैं। करिएगा मतलब फिर अभी फिलहाल इन 4 साहब जैसे आएंगे आप बात जरूर कीजिएगा। तो तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए सिटी न्यूज़ 100। मैं आचल मिश्रा सिटी।